अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। इफ़ यू लाइक माय वर्क यू कैन हेल्प मी टू कंटिन्यू टीचिंग बाय क्लिकिंग द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो आज हमने C++ के लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पढ़ना है हमने। उसके बाद हमने कुछ पढ़ना है लिटरल्स के बारे में। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी आसान है, सिर्फ ये थ्योरी लिखी हुई है मैंने, तो बस आपने इसको सुनना है अभी आज के लिए थोड़ा सा। तो मैं शुरू करता हूँ डेटा टाइप से। अ डेटा टाइप इन C++, डेटा टाइप C++ के अंदर डिफाइन बयान करती है, बताती है हमें द टाइप ऑफ डेटा डैट अ वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है। अब क्या है कि डेटा टाइप पढ़ने से पहले आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या करता है? C++ वेरिएबल्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले भी एक आपको बात यह याद रखनी चाहिए, वेरिएबल के ना 3 तरह के नेम होते हैं। या तो हम इसको वेरिएबल कहते हैं और हम इनको कहते हैं आइडेंटिफायर्स कहते हैं, और वेरिएबल्स कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो वेरिएबल के क्या होते हैं, 2 तरह से होते हैं C++ के अंदर। इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं और आइडेंटिफायर कहते हैं, या इसका एक तीसरा नाम होता है, इनको सिंपली हम नेम्स भी कह सकते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह होता है। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर डेट स्टोरेज, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, इसका मतलब है कि स्टोरेज एरिया है टू होल्ड डेटा, ठीक है। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम आइडेंटिफायर, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका मैं कंट्रोल जी करता हूँ, स्टोरेज एरिया को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है कि वेरिएबल का कोई ना कोई नेम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इंट लिखा हुआ है, एज लिखा है, 14 लिखा है। तो आपको अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ये जो एज है ना हमारा, एज ये होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर एक डब्बा बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ठीक है, और ब्लॉक का नाम क्या है, एज है, ठीक है, ये इसका मतलब है, क्या। तो वेरिएबल क्या होता है कि सिंपली हमारा जो मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक बनता है या कोई डिब्बा बनता है, एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया बनता है, उसको नेम, उसका नेम क्या होना है वो हम डिफाइन करते हैं कि मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक बना, उसका नेम क्या, एज रख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ int int sky is equal to, ऐसे करके कुछ लिख दूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं अपने कंपाइलर के अंदर को कह रहा हूँ कि रैम के अंदर, हमारी रैम के अंदर, ठीक है, मेमोरी से मुराद रैम है, तो हमारी रैम के अंदर क्या करे वो एक खाली बॉक्स बना दे, ठीक है, और क्या करे उसका नेम क्या होना है, स्काई होना है, ठीक है। तो सिंपली ये होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, फिर से इस बात को नोट कर ले कि हमारी रैम के अंदर
हमारी रैम के अंदर जो है वो स्पेसिफिक जो ब्लॉक बनता है, जो एक डिब्बा बनता है, उसको क्या करता है कि ये कोई ना कोई नेम दे देता है, नाम दे देता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नेम्स फॉर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम कैन होल्ड हैव अल्फ़ाबेट नंबर एंड अंडरस्कोर ओनली। ठीक है, तो वेरिएबल क्या करता है कि वो होल्ड करता है, क्या करता है, होल्ड करता है अल्फ़ाबेट, होल्ड करता है, जैसे कि एज, ये अल्फ़ाबेट है ए बी सी। ठीक है, नंबर होल्ड कर सकता है, जैसे मैं करूँ एज 1 कर दूँ तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी आ गए, इसके अंदर नंबर भी आ गए। और अगर मैं इसके यहाँ पे स्टार्ट पर अंडरस्कोर लगा दूँ तो ये बन जाएगा एज 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गया, अल्फ़ाबेट भी आ गए, ये एज जो है ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, नंबर्स क्या है, ये 1 जैसे मैंने लिखा है ये नंबर आ गया इसके अंदर, और ये अंडरस्कोर आ गया इसके स्टार्ट में। ठीक है, तो ऐसे भी ऐसे आप नेम दे सकते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगन विद अ नंबर। तो वो क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, कि वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अब मैंने ये लिखा है ना अंडरस्कोर एज 1, तो मैं अगर इसको लिखूं 1 एज, ठीक है 1 एज, इस तरह करके कुछ लिख दूं एज 1, तो ये गलत है। हम किसी भी वेरिएबल का नेम बनाते हुए उसके शुरू में कोई भी नंबर नहीं डाल सकते। ठीक है, अच्छा अब तीसरा जो है पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ प्रेफर्ड प्रैक्टिस टू बिगिन वेरिएबल नेम विद लोअर केस करेक्टर, नेम इज़ प्रेफर्ड टू नेम। तो वो क्या कहता है कि हमारा जो है नेम जो होने चाहिए वो जो है वो लोअर केस से शुरू होना चाहिए। ठीक है, लोअर केस से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ उस्मान, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ उस्मान, इंट उस्मान इज इक्वल टू, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाओ रैम के अंदर, उसका नेम क्या मैंने रख दिया है, उस्मान रख दिया है। ठीक है, लेकिन ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि आप प्रेफर करो, आप तरजीह दो कि आप लोअर केस में नाम को लिखो, ना कि जो है अपना कैपिटल में। ठीक है, तो हम उस्मान लिख सकते हैं इस तरह, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। अगर मैं इसको यही लिखूं कैपिटल में लिख दूं USMAN, तो ये बुरा लगता है। ठीक है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि जो नेम होते हैं ये ठीक तो है, लेकिन अपने नेम जो है वो लोअर केस में ही लिखना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नेम जो है, यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ दोबारा। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहा है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड वो चीज़ होती है कि जो पहले से हमारे C++ की लैंग्वेज के अंदर स्टोर होते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब होता है, वो एक ख़ास काम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इंट है, इंट एक कीवर्ड है। ठीक है, एज क्या है, नेम है, और ये 14 क्या है, ये एक लिटरल होता है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ, अभी आपने बस ये एज पर फोकस करना है। तो वो क्या कह रहा है कि आप कभी यूँ नहीं लिख सकते इंट 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 इन 40, तो वो तो जो है वो एरर दे देगा। ठीक है, तो आपने कोई भी कीवर्ड जो है वो नेम देते हुए नहीं यूज़ करना। ठीक है, ओके। या एक यहाँ पर आप लिखें कि एक करेक्टर होता है हमारे पास कीवर्ड, तो आप यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते इंट कैर या इंट फ्लोट, नहीं यूज़ कर सकते आप। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है ओके, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। तो क्या कह रहा है कि पांचवा पॉइंट के वेरिएबल का नेम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है,
ये एक वेरिएबल का नेम है, एज है मसलन, आप इधर कोई भी नेम लिख सकते हैं, तो ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थे चार पांच रूल्स वेरिएबल के। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा है कि वेरिएबल का क्या होता है, वेरिएबल जो होता है एक जो है वो हमारी रैम के अंदर, जैसे कि ये मैं आपको बताऊं इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, एक कंटेनर है, कंटेनर एक डिब्बा है, ठीक है, स्टोरेज एरिया, जिसका मतलब ये है कि स्टोरेज एरिया रैम के अंदर, रैम के अंदर क्या है, स्टोरेज एरिया ये, ठीक है, टू होल्ड डाटा, जो क्या करता है, कोई ना कोई डाटा होल्ड करता है, ठीक है, जैसे कि ये 14 है, इज इक्वल टू 14 है, तो ये इस एज वाले के अंदर ये 14 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब फिर से इसको देख लें, इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात कि अगर मैं लिखूँ इंट माई एज, ठीक है, ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ठीक है, ऐसे लिखूँ इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर एक डिब्बा बनाओ, ठीक है, उसका नाम क्या है, माई एज, उस स्टोरेज एरिया का नाम है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100 डाल दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैर लिखूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडरस्कोर कैपिटल ए डाल दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर क्या है कि एक डिब्बा बनाओ, ठीक है, उसका नाम है डब्ल्यू, और उसके बाद क्या है, उसके अंदर क्या डाल दो, कैपिटल ए डाल दो उसके अंदर, ठीक है, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अपने रूल में पढ़ा है कि आप जो है वो नेम को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं माई एज 1, तो अब ये दो डिफरेंट नेम हो गया, फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, इसके आगे अंडरस्कोर डाल दूं, तो ये दुरुस्त है, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल क्या आता है। अ डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस डिफाइन बताती है द टाइप ऑफ डेटा डैट आ वेरिएबल कैन होल्ड, के वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या करते हैं, वो डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, एज लिख दिया 100, ठीक है, अभी के लिए इतना देखें। अब इंटीजर डेटा टाइप्स, अच्छा अब इसकी ना कई टाइप्स ऑफ डेटा होती है, इंटीजर डेटा टाइप इंट होता है हमारा, इसके अंदर एक डेटा टाइप होती है इंट, यूज़ फॉर स्टोरिंग इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 100 जितनी आपकी गिनती होती है, इनको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी डेटा टाइप हमने क्या पढ़ी, इंट, ठीक है, ये क्या स्टोर करती है, इंटीजर 1, 2, 3, 4 वाले जो होते हैं हमारे गिनती जो होती है, ठीक है। तो अब देखें आ डेटा टाइप, ये होती है आपकी डेटा टाइप इंट, ठीक है, इन सी प्लस प्लस डिफाइंड द टाइप ऑफ डेटा डैट अ वेरिएबल कैन होल्ड, तो ये एज आपका वेरिएबल है, ठीक है, और एज आपका वेरिएबल है इज इक्वल टू, मैंने 100 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इंट एक डेटा टाइप है, तो वेरिएबल जो है वो, जो आपका वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकता है। अब आप इसके अंदर ए बी सी वाला डेटा नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमने कहा इंट लो यानी कि ए बी सी वाला डेटा डालो, तो वो इसके अंदर अब 100 ही डालेगा। अच्छा, उसके बाद एक शॉर्ट इंट होता है, ठीक है, यूज़ फॉर स्टोरिंग इंटीजर विद स्मॉल साइज ऑफ 2 बाइट, तो क्या होता है कि जो आपका इंट होता है ना, सबसे पहले इंट इंट स्टोर करता है 4 बाइट ऑफ डेटा, ठीक है, और ये इंटीजर स्टोर करता है, शॉर्ट इंट क्या करता है, स्टोरिंग इंटीजर, ये भी इंटीजर स्टोर करता है विद द स्मॉल साइज ऑफ 2 बाइट, जिनका जो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है। लॉन्ग इंट होता है कि यूज़ फॉर स्टोरिंग इंटीजर विद लॉन्गर साइज ऑफ 8 बाइट, जिस डेटे का साइज़ 8 बाइट तक होता है उसको वो स्टोर कर लेता है लॉन्ग इंट, ठीक है। अनसाइनड इंट क्या होता है,
यूज़ फॉर स्टोरिंग पॉजिटिव इंटीजर ओनली, तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, जो इशारिये वाले नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 3.1234 इस तरह वाले नंबर जो होते हैं इशारिये वाले, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। यूज़ फॉर स्टोरिंग डेसिमल पॉइंट नंबर विद साइज़ ऑफ 4 बाइट। तो फ्लोट क्या करता है कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, डबल क्या करता है ये लेता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो ये भी डेसिमल इशारिये वाले नंबर को स्टोर करता है। करेक्टर, करेक्टर क्या आता है, करेक्टर होता है हमारा ए बी सी, ठीक है, सिंगल जो होते हैं हमारे करेक्टर। जैसे कि मैं आपको करेक्टर की एग्जांपल दूं, ए एक करेक्टर है, बी एक अलहदा से करेक्टर है, सी एक अलहदा से करेक्टर है। तो मैं आपसे पूछूं कि अब तक मैंने कितने करेक्टर लिखे हैं, तो मैंने 3 करेक्टर लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है USMAN, उस्मान मेरा नेम है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे नाम के अंदर कितने करेक्टर आते हैं, तो आप गिनेंगे यू एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है, एम एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है और एन एक करेक्टर है, 1 2 3 4 5, तो कितने करेक्टर हैं मेरे नाम के अंदर, 5 हैं, ठीक है। इसी तरह से यूज़ फॉर करेक्टर यूज़ फॉर स्टोरिंग सिंगल करेक्टर और आस्की वैल्यू विद अ साइज़ ऑफ 1 बाइट, तो इसका मेमोरी के अंदर साइज़ कितना होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है। बूलियन डेटा टाइप होती है एक हमारे पास, जिसको कहते हैं हम ट्रू फॉल्स, तो ये क्या करती है कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू को स्टोर करती है या फॉल्स को स्टोर करती है, ठीक है, या तो वो हमें ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है, और इसका साइज़ भी 1 बाइट होता है मेमोरी के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर C++ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं, इन C++ वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, फॉर दैट वी, इसको मैं यहाँ पर, ओके, फॉर दैट वी यूज़ द कॉन्स्ट कीवर्ड हेयर एन एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनके रन टाइम पे वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चल के हम इनके ऊपर प्रोग्राम्स भी देखने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में देखना है। तो कॉन्स्ट हम सिंपली क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट के कीवर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट इंट टाइप का हमें कॉन्स्ट चाहिए, हमने लिखा लाइट स्पीड वेरिएबल है और ये एक लिटरल है, ठीक है। तो अब ये देखें, तो ये वैल्यू जो है हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम चेंज करेंगे लाइट स्पीड इज़ इक्वल टू 2500, तो ये क्या देगा, हमें एरर देगा, क्योंकि हमने उसके साथ कॉन्स्ट लगा दिया है, ठीक है। और इसी तरह से ये कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.1456, इस वैल्यू को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट वो होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पर, लेकिन आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा इसी चीज़ पर होगा, वेरिएबल कॉन्स्टेंट पर और इनपुट आउटपुट आउटपुट पर होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये चीज़ें, ठीक है। C++ लिटरल्स, तो लिटरल्स आर डेटा यूज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स वैल्यूज़। तो ये क्या करता है कि हमें फ़िक्स वैल्यूज़ जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, उसको लिखने में मदद देता है। जैसे 1 हमारी एक फ़िक्स वैल्यू, 2.5C, इस तरह की वैल्यूज़। इंटीजर लिटरल्स होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ ना इंट ए इज़ इक्वल टू 100, तो इसको अगर मैं आपको इसको अगर मैं दिखाऊं, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। इंट क्या है, डेटा टाइप, इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये जो ए है आपका, ए ये है वेरिएबल, इज इक्वल टू आपका एक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इज इक्वल टू क्या है आपका, इज इक्वल टू,
ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और 100 क्या है, 100 ही तो असल में आपका लिटरल है, ठीक है। इंटीजर लिटरल है आपका 100, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अब समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अब पढ़ाता हूँ आपको मैं, तो कितने टाइप्स के लिटरल्स होते हैं, इंटीजर लिटरल्स होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, माइनस 20 हो गया, 0 हो गया, और ये कुछ जो है वो ओक्टा हेक्सल वैल्यूज़, हेक्सा वैल्यूज़ वगैरह आ रही हैं, और ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। तो ये क्या होता है, हमारे इंटीजर कौन होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ना हमारी, जो 1, 2, 3, 4 होती है, हमारी गिनती जितनी भी होती है, वो सारी क्या है हमारी, जो हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, जैसे मैंने 100 अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये इंटीजर लिटरल है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल से क्या मुराद है, जो इशारे वाली वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे 100 लिखा है, तो मैं इसको 3.100 लिख कर दूँ, तो ये इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बन गया। अगर मैं यहाँ पर करेक्टर लिटरल की बात करूँ, तो ये होता है हमारा करेक्टर ए बी सी बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी, तो ये कुछ होते हैं हमारे करेक्टर लिटरल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट की जगह पे कैड डाटा टाइप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे एस, तो एस क्या है आपका, एक करेक्टर लिटरल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या आता है कि, अच्छा सबसे पहले आपको मैं बता दूँ स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, अब आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका नाम है, मैं अच्छी यही एग्जांपल देता हूँ, अच्छी अच्छी लगती है मुझे ये, जैसे मेरा नाम उस्मान है, ठीक है, और मलिक है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं एम ए एल आई के मलिक लिखूं, यू एस एम ए एन उस्मान लिखूं, इज इक्वल टू करता हूं, इसको भी इज इक्वल टू करता हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, तो मैं आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इधर लिख देंगे 5 करेक्टर हैं जी, ठीक है। इसके अंदर भी कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि स्ट्रिंग क्या आता है, तो आपने कहना है कि ये है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, यानी कि ये 5 करेक्टर मिले हैं, इन्होंने क्या बनाया, मेरा नेम बना दिया मलिक, ठीक है। ये 5 करेक्टर मिले हैं, इन्होंने मेरा नाम नेम बना दिया उस्मान। तो आप कह सकते हैं इस तरह, एक तरह से कि स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं, या तो आपकी वैल्यू सही होती है या आपकी वैल्यू गलत होती है, इस चीज़ पे ये काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या यूज़ करते हैं, बूल लिखते हैं, बूल लेते हैं, और यहाँ पर अपनी वैल्यूज लिख देते हैं कि उसकी वैल्यू ट्रू है, ट्रू है, तो कंट्रोल जी करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, ट्रू लिखता हूँ, तो ये देखें बूल एक डेटा टाइप बन गई, ए वेरिएबल है और तो या ये ट्रू देगा या ये फॉल्स देगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स इन C++ आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट द कोड एंड एक्सप्लेन व्हाट इट डस, ठीक है। दे आर इग्नोरेड बाय द कंपाइलर एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम्स आउटपुट, ठीक है। इंट एज इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पर जब मैं ये डबल स्लैश लगाऊंगा,
तो ये क्या किया, मैंने यूज़ किया सिंगल लाइन कमेंट होता है, और अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ स्लैश डाल के आगे स्टैरिक डालूँ, और फिर जहाँ पर मैंने एंड करना है वहाँ पर मैं स्लैश स्टैरिक डाल दूँ, तो ये क्या होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर होता है इनको रीड नहीं करता। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। तो यही चीज़ें जो हैं हमने बार बार रिपीट करनी है, और यही बेस है इसकी। ठीक है, जिसको ये समझ आनी शुरू हो गई तो उसको जो है वो प्रोग्रामिंग उसके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।